बावले हो तुम तो, बावले तो फिर यहाँ पे सबको तालियां बजवाने के लिए बिरयानी खिला खिला के लेके जाएगा क्या? कोई भी जाके गूगल पे जाके आपको सर्च कर लेगा, आप 1 करोड़ कैसे करेंगे? 50 लाख है तो 50 लाख मोदी से पूछो ना, कहाँ से लाएगा भाई तू? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2 दिवसीय अहमदाबाद दौरे पर हैं। जिस तरीके से वहां पर उनके स्वागत के लिए लोगों को इकट्ठा करवाया जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, और लगातार इस तरह की खबरें आ रही है, वो कहीं ना कहीं आज के दौर में भारत सरकार पर, मौजूदा सरकार पर बहुत बड़ा सवाल या निशान खड़ा हो रहा है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ ऐसे लोगों की तलाश थी जो राजनीति को भी जानता हो, समाज के भी बारे में जानता हो, और जिस तरीके से देश की हालात है उन चीज़ों के भी बारे में जानता हो। इसीलिए आज हमने स्टूडियो में बुलाया एमन रिजवी साहिबा को, जो सभी सवालों के जवाब बारीकी अंदाज में, वो भी बहुत ही दर्शकों के बारीकी से समझाने की जज्बे रखती है और सही तरीके से वो बोलती भी है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशनल इंडिया न्यूज़ चैनल। शुक्रिया। जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अहमदाबाद 2 दिवसीय भारत दौरे पर हैं, क्या लगता है जिस तरीके से वहाँ पर गरीबी को छुपाने के लिए दीवारों को पेंटिंग किया जा रहा है, डेंटिंग किया जा रहा है, और उस पर लिखा जा रहा है यू एंड आई, यानी मैं और आप, क्या संदेश देंगे आप? सर, ये तो एक तरह के, जिसको नहीं कहते कि मोदी ने लास्ट खिल्ली उड़वाई है हमारी ट्रंप सरकार के सामने। आप यकीन करिए, मेरी फैमिली वहाँ पर रहती, मेरे पास पहले से आ गया, मतलब अमेरिकन को पहले ही पता चल गया कि ये दीवार जो है वो गुर्बत को छुपाने के लिए बनाई गई है। मतलब आप कितने पागल हैं, आप ये कह रहे हैं कि वो 75 लाख आपका स्वागत करेंगे, और जबकि वहाँ की अगर आप अहमदाबाद की आबादी उठा कर देंगे, 50 लाख भी नहीं है भाई। अगर ट्रंप लेकर आ गया 2-4 लोगों को, पढ़े लिखों को, और कहे भैया गिनती गिनती शुरू कर, तो आप सोचो क्या होगा, हमारी कितनी बेइज्जती होने वाली, सोचो। और यार ट्रंप को देखो ना, अगर ट्रंप जहाज में बैठा, जहाज में थोड़ी पर्दा डाल, अगर ट्रंप ने यूं करके देख लिया जहाज में से, अल्लाह, झोपड़ियां, उनके पास तो ड्रोनों कैमरा है, वो देख भी सकते हैं, अगर देख लिया कि नीचे झोपड़ियां हैं। मतलब आप कितने पागलपन की आप हरकतें कर रहे हैं कि आपने 150 करोड़ इस बात के लिए खर्च कर दिए, आपने दीवार बनाई थी, अरे बावलो, उस झुग्गी झोपड़ियों को आप डेवलप कर देते, उन पर वाइट वॉश करा देते, गमले लग देते, पानी वानी का थोड़ा अरेंजमेंट कर देते, तो ट्रंप भी देखता, अल्लाह कितनी प्यारी प्यारी झोपड़ियाँ यहाँ पर, है ना। आपने एक तरह से उनको चुनवा दिया, उनको पीछे कर दिया इतने सारे लोगों को। और वैसे आप कहते हैं गुजरात मॉडल, ये मॉडल, वो मॉडल, यानी आप मॉडल सिर्फ कागजों में बना के दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे थे, रियल में आप मॉडल कुछ बनाते ही नहीं हैं। जिस तरीके से मोटेरा स्टेडियम में जिस तरीके से उनके ताजपोशी के लिए, उनको स्वागत के लिए लोग को इकट्ठा करवाया जा रहा है, इतने पैसे में तो शायद कुछ ना कुछ बेरोजगारी दूर हो जाएगी, नौकरी दे देते तो कम से कम युवा तो संतुष्ट होते। सर, अब ये RBI के सामने फिर कटोरा लेके खड़े हो जाएंगे भीख मांगने, इनको तो, ये तो भिखारियों की सरकार, नरभक्षी की सरकार, इनको तो भीख मांगने की आदत है। मतलब बावले हो तुम, सिंपली सी ट्रिप पे आ रहा था, ऐसे ही इस्तेमाल कर लेते, बावले की तरह तुम पैसा लुटा रहे हो उस पर, और उसको अमेरिका को सबको पता है जबकि कि तुम कर क्या रहे हो, हिंदुस्तान की हालत क्या है। मैं तो कहती हूँ शाहीन बाग बुला लेता उसको। भारत एक दलदल, मतलब मंदी के दलदल में धंसता जा रहा है, एक तरफ वो इतने से खर्च कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने? तो वो यही देना चाहते हैं, देख बट्राम, हम हिंदुस्तानी का खून चूस चूस के तेरे आगे डाल रहे हैं, हम वो तो हमारा खून चूस रहे हैं भाई। आप खुद देखिए हिंदुस्तान में क्या बचा है, टेलीकॉम, रेलवे, एजुकेशन, पेट्रोलियम, कुछ भी नहीं छोड़ा इन्होंने, है ना, इन्होंने कहाँ कुछ छोड़ा है। और मुद्दा भटकाने के लिए इन्होंने कितने शाहीन बाग बनवा दिए हैं कि भाई तुम वहाँ बैठ जाओ, कि जी एक खामा खाई का मुद्दा लेके आ गया, हम CA में तुम्हें नहीं लेंगे, तो इस, ये तो बावलापन की है। मैं तो खुद कहती हूँ कि ट्रंप खुद कहते हैं भाई मुझे शाहीन बाग लेके चलो। अच्छा, क्या लगता है आपको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन चीज़ों को यकीन करेंगे कि यहाँ भारत में बेरोजगारी अब खत्म हो गया है? वो अगर यकीन करते तो इनके साथ डीलिंग ना कर लेते, वो उन्होंने पहले ही कहा कि डीलिंग मत समझना, जो 2011 में इन्होंने डीलिंग शुरू करी थी कि हम तुम्हारे साथ कोई ट्रेडिंग करने नहीं आ रहे, उनको खुद पता है कि यहाँ पर पैसा भी डूबेगा, हिंदुस्तान में GD, ये क्या नाम है, इतने सारे इन लोगों ने लगा रखे हैं GST, तो अमेरिका खुद नहीं हमारे साथ अब कारोबार करना चाहेगा, हमारे से तो कंपनियाँ दूर जा रही हैं। तो वो तो सिर्फ वैसे ही आ रहा है देखने के, हाँ भाई क्या है, ये बावले कूदे फिर रहे हैं कि भाई क्या होगा क्या होगा। लगता आपको कि एक तरफ भारत देश खुद 70 दिन से झुलस रहा है, जगह जगह शाहीन बाग बन रहा है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आ रहे हैं, वो भी अपनी बीबी, बाल बच्चे, दामाद के साथ आ रहे हैं, क्या लगता है आपको, क्या क्या मनसा है इन लोगों की?
मेरे ख्याल से तो उन्होंने ही बुलाया होगा, मोदी जी ने बुलाया होगा, भैया आ जा ताकि दिखाने को हिंदुस्तान में सब चंगा सी चंगा सी है, ये क्योंकि यही तो कहकर आए थे अब की बार ट्रंप सरकार हिंदुस्तान में सब चंगा सी है, जबकि यहाँ तो दंगा सी है। मैं तो खुद ही कह रही हूँ कि ट्रंप खुद ही कह दे कि भैया हिंदुस्तान के एक शाहीन बाग ले जाओ मुझे बस। मतलब लगातार शाहीन बाग पर आपका क्यों जोर है, लगता है आपको कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शाहीन बाग आएंगे? सर शाहीन बाग को मैं इसलिए अटैक कर रही हूँ कि शाहीन बाग इंटरनेशनल फेम हो चुका है, ट्रंप भी जानता है कि शाहीन बाग कुछ किसी चिड़िया का नाम है, है ना, और एक शाहीन बाग थोड़ी अब तो हिंदुस्तान में 350 शाहीन बाग बन चुके हैं, तो ट्रंप किसी भी शाहीन बाग में घुस जाए जाकर, वो तो लखनऊ वहाँ पे वहाँ भी तो जा रहे हैं ना ताजमहल, तो वहाँ पर भी तो लखनऊ में भी तो चल रहा है, वहीं घुस जाए घंटाघर वाले। अच्छा अगर आता है तो बात बनेगी क्या? महिलाएं वहाँ प्रदर्शनकारी जिस तरह से आप हैं, आप लगातार वहाँ की आवाज़ बन रहे हैं, सोशल मीडिया पर आवाज़ उठा रहे हैं, लगातार वहाँ की महिलाओं की बात रख रहे हैं कि नहीं ये गलत है, चाहे वो महिलाओं के मतलब सपोर्ट में बोल रहे हैं, क्या लगता है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो बातचीत बनेगा? सर अगर वो बातचीत करता है तो बातचीत तो बननी चाहिए, क्योंकि सच्चाई की जीत होती है, झूठों की जीत थोड़ी होती है। आप एक झूठ बोलते हैं उसको छुपाने के लिए आप 1,00,000 झूठ बोलते हैं, जैसे ये मोदी सरकार बोलती है कि ये वहाँ पर रामलीला ग्राउंड में आपने खुद देखा होगा भाइयों एनआरसी की चर्चा नहीं करी, क्योंकि इनको पता था वो वाली बाइट इंटरनेशनल मीडिया बाहर दिखाएगा, लेकिन इन्हीं का जो वो टकलूचा है वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था एनआरसी लाएंगे 4 महीने में लाएंगे, तो हम बेवकूफ़ ये सोच रहे थे कि देखो दोनों में कम्युनिकेशन ही नहीं, वो वजह ये थी कि पार्लियामेंट वाली बाइट जो इंटरनेशनल मीडिया में नहीं जाएगी, सिर्फ वहां वाली जाएगी, तो दुनिया ही देखेगी देखो बेचारा मोदी तो ये कह रहा है कि हमने एनआरसी की चर्चा नहीं करी, हिंदुस्तानी कितने जाहिल और इरिटेटेड है, ये रोड घेर के बैठे हुए हैं, ये तो अब सबको पता चला ना, ये तो मैंने कितने इंटरव्यू में इसको डिस्कस करती हूँ, अल्लाह का शुक्र है अगर आप उठाकर देखें तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंटरनेशनल वायरल हो रही हूँ, पूरे गल्फ में पूरे यूरोप में मेरी वीडियो को बहुत पसंद करा जा रहा है, तो ये तो यहाँ से आप यूट्यूबर ने हमें दिखाया कि हिंदुस्तान में कुछ भी चंगा सी नहीं है, सिर्फ दंगा सी है दंगा सी है दंगा सी है। अच्छा बातचीत के दौरान आपने कहा कि वहां पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने दावा किया कि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की स्वागत के लिए 70,00,000 लोग होंगे, लेकिन वो वहाँ से ट्वीट कर कह रहे हैं और मीडिया रिपोर्ट से खबरें आ रही है अमेरिका से कि वो डोनाल्ड ट्रंप का बयान आता है कि वहाँ 1 करोड़ लोग उनके स्वागत के लिए आ रहे हैं, जबकि इतना तो वहाँ पर जनसंख्या नहीं है। सर 50,00,000 है जनसंख्या, अगर डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया जरा निकालियो जरा जनसंख्या निकालियो वहाँ के अहमदाबाद की 50,00,000 आएगी, तो बावले तो फिर यहाँ पर सबको तालियां बजवाने के लिए बिरयानी खिला खिला के लेके जाएगा क्या शाहीन बाकी और तो ठग लेके जाएगा कि बिरयानी वाली के भाई तुम यहाँ पर 50,00,000 और बन जाओ, तो झूठ इतना बोलो ना जो हजम हो जाए, मतलब ये इस वक्त मल्टीमीडिया का जमाना है कि आप कुछ भी झूठ बोलते थे, आप ये तो देखो कोई भी जाके गूगल पे जाके आपको सर्च कर लेगा आप 1 करोड़ कैसे करेंगे, 50,00,000 है तो 50,00,000 मोदी से पूछो ना कहाँ से लाएगा भाई तू कहाँ से लाके खड़ा करेगा, और मैं कहती हूँ कि ट्रंप गिन ले लोगों को कोई कितने 1 करोड़ को गिन के जाए, वो उसको भी पता चले हमारा मोदी या टकलू कितना झूठ बोलता है। लेकिन बात ये भी आपने बातचीत के दौरान बताया कि उन्हें पता चल गया है कि मेरे पास तो खुद आ रहे हैं कि कितना झूठा है तुम्हारा भारत, कि हमें पता है कि वहाँ पर आबादी कितनी है और हमें पता है कि वहाँ दीवार बना दी गई, मैं तो शुरू से कह रही हूँ कि मेरी इंटायर फैमिली अमेरिका में रहती, तो वो लोग तो कितने झूठे उभारती है कि मतलब ये दीवार बना के मुफ्ती से छुपा रहे हैं, ट्रंप को पहले ही पता है कि वहाँ झोपड़ियाँ हैं, तो आपने वो दीवार क्यों बनाई फिर, किसके लिए बनाई फिर आपने वो दीवार, और उस दीवार पे भी मैंने आप देखिए कि यूरिन पास करते हुए कितनी वीडियो वायरल हो रही है, यानी आपकी दीवार को लोग स्वच्छ अभियान चला रहे हैं वहाँ पर। तो नहीं लगता आपको कि अमेरिका से और भारत के रिश्ते में कुछ तकरार आएगा इस बात को लेकर? अरे चंगासी करने में कोई बात नहीं है, आप डोनाल्ड आपके बाद डोनाल्ड ट्रंप सरकार कह सकते हैं, उसके बाद डोनाल्ड इसके बाद ज्यादा आपको धनिया नहीं घास नहीं डालता। तो क्या लगता है प्रधानमंत्री मोदी अपने जैसे डोनाल्ड ट्रंप को भी फेकू बनाना चाहते हैं? वो तो आप ये देखे ना, मतलब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के बाहर डोनाल्ड ट्रंप का पुतला जलता है, उनकी घर के बाहर जलता है, वहाँ पे जितने भी डोनाल्ड ट्रंप से नाराज होते हैं वो अपने अपने जगह पे अपने घरों पे लगा लेते हैं, वहाँ पर कोई कुछ नहीं कहता, हिंदुस्तान में तो आप मोदी को कुछ नहीं कह सकते हैं, पकड़ के जेल में डाल देते हैं तो कैसे बना लेंगे, डोनाल्ड ट्रंप कोई चाय वाला थोड़ी है, वो तो अरबपति खरबपति आदमी है, नहीं बनेगा इनकी तरह। हाँ वो आखिर में क्या कहेंगे डोनाल्ड ट्रंप को, स्वागत करेंगे आप? मैं तो यही कहूंगी कि शाहीन बाग की महिलाएं स्वागत करेंगे, मैं तो यही कहूंगी कि डोनाल्ड ट्रंप प्लीज आप मेरे शाहीन बाग जरूर आइएगा, हम लोग आपको मोस्ट वेलकम करेंगे। हाँ हम ये तो नहीं कहते कि 1 करोड़ आएंगे 150 करोड़ खर्च करेंगे, लेकिन जितना भी खर्च करेंगे अपना जज्बा आप पे खर्च करेंगे और दिल से आपको सलाम करेंगे। चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताजा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।